नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मनोज सहल। आईपीएल 2024 का एक हाई वोल्टेज मैच, जिसकी हम सब उम्मीद कर रहे हैं कि यार अच्छा मैच होगा। एक तरफ आरसीबी होगी और दूसरी तरफ चेन्नई सुपर किंग्स होगी। दोस्तों, ये वही दो टीमें हैं, जब आईपीएल 2024 का आगाज हुआ था इन्हीं दो टीमों के बीच हुआ था, तब भी लोग काफी एक्साइटेड थे। लेकिन अब एक्साइटमेंट का लेवल और ज्यादा हो गया, वो इसलिए बढ़ गया है क्योंकि आरसीबी के लिए प्लेऑफ के रास्ते अभी भी खुले हैं। और आरसीबी का अगर ये मैच कंडीशन है उनके लिए कि आरसीबी अगर ये मुकाबला पहले बैटिंग करती है तो 18 रन से जीत लीजिए, अगर बाद में चेंज करती है तो उसमें 18.1 ओवर में ये मैच आरसीबी को जीतना होगा। लेकिन सीएसके के लिए चीजें थोड़ी आसान इसलिए हैं क्योंकि सीएसके के लिए सिर्फ और सिर्फ जीत चाहिए। अगर इस मैच में बारिश आती है तो फिर सीएसके वर्सेस आरसीबी का मैच, अगर बारिश की भेंट चढ़ गया या धुल गया, वॉश आउट हो गया, तब भी सीएसके आराम से प्लेऑफ में चली जाएगी क्योंकि नेट रन रेट सीएसके का बेहतर है एज कम्पेयर टू आरसीबी के। तो ऐसे में भाई आरसीबी का जो 16 सालों का जो सपना था वो भी टूट सकता है। 18 मई का जो वेदर अपडेट है, एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में ये मुकाबला होगा, वहां पर भाई बारिश की काफी आशंका है और वहां पर मूसलाधार बारिश होने की संभावना है, और वो भी 7 से 11 के बीच, जब मैच का टाइम भी वैसे 7 to 11 है और उसी समय बारिश का भी अनुमान है। अगर तेज बारिश आती है और मैच मान लीजिए भी छोटा मैच होता है, 5-5 ओवर गेम आपको देखने को मिलेगा, तो वहां पर फिर कौन सी टीम बाजी मारेगी ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर मान लीजिए 5 ओवर का मैच हो तब क्या नतीजा आ सकता है। अगर मान लीजिए 5 ओवर की बैटिंग सीएसके पहले करती है 5 ओवर के मुकाबले में, तो सीएसके को कम से कम स्कोर पर रोकना होगा, भाई 60-50 रन पर ही रोकना होगा। और उसके लिए फिर जब आरसीबी बैटिंग करने आए तो आरसीबी को 3 ओवर में वो चेज करना होगा। और इसके अलावा अगर देखा जाए भाई छोटा मैच है, अगर मान लीजिए आरसीबी पहले बैटिंग करती है तो आरसीबी को बोर्ड पर ज्यादा से ज्यादा रन लगाने होंगे। मान लीजिए 90-100 रन अगर वो बोर्ड पर लगा देती है 5 ओवर में, तो फिर सीएसके की टीम को कम स्कोर पर रोकना होगा, 60-70 रन के अंदर अंदर ही उस टीम को रोकना होगा, और उसके बाद फिर वही 30 रन का मार्जिन लेकर ये मुकाबला जीतना होगा। लेकिन दोस्तों, एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट ये भी है कि जो सॉलिड मोमेंटम है वो विनिंग मोमेंटम आरसीबी के पास है, क्योंकि आरसीबी लगातार 5 मुकाबले जीती है, लेकिन सीएसके की टीम भाई 5 बार की चैंपियन है। ये भी बड़ा दिलचस्प हो जाता है क्योंकि सीएसके के पास वीक लिंक है उनका ओपनिंग पेयर, शिवम दुबे का फॉर्म, और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उनकी जो पेस अटैक है वो काफी इनएक्सपीरियंस है। लेकिन आरसीबी की बात करें तो आरसीबी की टीम के पास अच्छी बात क्या है कि विराट का आउटस्टैंडिंग फॉर्म है, ऑरेंज कैप की रेस में वो इस वक्त सबसे आगे हैं, 661 रन बना चुके हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें, विल जैक इस टीम में नहीं होंगे, एक बड़ा झटका लगा है, लेकिन ग्लेन मैक्सवेल को इस टीम में मौका मिलेगा। तो मैक्सवेल अगर ऐसा बैटिंग कर दें इस मुकाबले में तो फिर इस टीम की बल्ले बल्ले है। और अगर बॉलिंग में देखें तो भाई सिराज होंगे, करण शर्मा, यश दयाल, इन्होंने पिछले 3-4 मैचेज में अच्छी बॉलिंग की है। अगर मैन टू मैन मार्किंग करेंगे तो मेरा ये मानना है कि आरसीबी की टीम थोड़ी आगे है, बट एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए और एमएस धोनी जब इस टीम में हो तो कहीं ना कहीं भाई सीएसके भी यह मुकाबला जीत सकती है। लेकिन दोस्तों, एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि 18 मई का जो वेदर, हमने आपको बताया कि भाई वेदर में तो वहां बारिश आने की संभावना काफी है, लेकिन 18 मई के दिन एक और दिलचस्प आंकड़ा आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि वो आंकड़ा ये है कि 18 मई के दिन आईपीएल इतिहास में कभी भी आरसीबी की टीम हारी नहीं है। यानी कि जब जब आरसीबी की टीम 18 मई का मैच खेलती है तो वो हमेशा जीतती है और विराट कोहली के रन आते हैं। अब आप देख सकते हैं 2013 में विराट ने जैसा परफॉर्म किया था, 200 भी है इनफैक्ट विराट कोहली के, और दोनों जब ये पारी खेली विराट कोहली ने, विराट भी सुपर हिट है और टीम भी सुपर हिट है। तो कहने का मतलब ये है कि 18 मई को अगर ठीक है, एक बैड लक है आरसीबी के फैंस के लिए कि बारिश काम खराब कर सकती है, लेकिन 18 मई का जो आंकड़े हैं वो ये दिखाते हैं कि आईपीएल में कभी भी आरसीबी की टीम हारी नहीं है। तो ऐसे में 18 मई को ये मैच वाकई बड़ा नेल बाइटिंग सिचुएशन में जा सकता है, एक्साइटिंग मैच हो सकता है। और ऐसे में आपको क्या लगता है भाई, अगर छोटा मैच होगा तो फिर कौन बाजी मारेगा, सीएसके या फिर आरसीबी? कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय दें। और इस मैच में रन कौन ज्यादा बनाएगा, ऋतुराज गायकवाड़, क्योंकि वो भी ऑरेंज कैप की रेस में अब नंबर 2 पर है और उस तरफ विराट कोहली है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं, और अभी तक अगर आपने न्यूज नेशन और न्यूज नेशन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए।